गुड मॉर्निंग और आपका फिर से स्वागत है वेस्ट प्लस अफेयर्स के अंदर। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कवाल टाइगर रिजर्व। कौन सा रिजर्व? कवाल टाइगर रिजर्व। एशियन वाटर बर्ड सेंसन 2023 के दौरान कवाल टाइगर रिजर्व के जल निकायों में अलग अलग प्रजातियों के 340 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। 340 से अधिक किसमें? एशियन वाटर बर्ड सेंसर 2023 के अनुसार। इसमें दुर्लभ पेरेग्रीन फाल्कन भी शामिल है। इसी वजह से कवाल टाइगर रिजर्व न्यूज के अंदर बना हुआ है। भौगोलिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में यह तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है, जो दक्कन प्रायद्वीप मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है। तो अब तक आपको क्या क्या बातें याद रखनी है कि कवाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो तेलंगाना राज्य में है, गोदावरी नदी तट के ऊपर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर एक दुर्लभ पेरेग्रीन फॉल्कन भी शामिल है। और यह हमको कैसे पता चला? क्योंकि अभी हाल ही के अंदर एशियन वाटर बर्ड सेंसर 2023 हुआ है, उसकी वजह से हमको पता चला है कि इस रिजर्व के अंदर 340 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है, जिसमें पेरेग्रीन फाल्कन भी शामिल है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से यह घिरा हुआ है। तड़ोबा, अंधारी महाराष्ट्र और इंद्रावती छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व के साथ यह जुड़ा हुआ है। नदी गोदावरी नदी। वन के प्रकार इसमें घने जंगल, घास के मैदान, खुले क्षेत्र, नदियां, नाले और जलीय निकाय इसके अंदर शामिल है। वनस्पतियों में सागौन, बांस, महुआ के वृक्ष इसके अंदर पाए जाते हैं। बांस को घास, ठीक है, वृक्ष की श्रेणी से हटाकर इसमें शामिल कर दिया गया है, ठीक है, घास में शामिल कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वन्य जीव इसके अंदर कौन कौन से वन्य जीव शामिल है? तो बाघ है, नीलगाय है, चिंगारा है, काला हिरण है, सांबर है, चित्तीदार हिरण है, जंगली कुत्ता है, ठीक है। आई होप आपको ये कवाल टाइगर रिजर्व की जो सारी जानकारी है, फैक्ट्स है, आपको पता चल गया होंगे। साथ ही में हम एक और देख लेते हैं, वो है समान टाइगर समान पक्षी अभयारण्य। कौन सा? समान पक्षी अभयारण्य, समान पक्षी अभयारण्य, ठीक है। तो प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है समान पक्षी अभयारण्य के अंतर। तो यह है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के अंदर स्थित है। इसकी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में यह एक रामसर स्थल है, यानी कि वेटलैंड साइट है, वेटलैंड साइट है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि भारत के अंदर वर्तमान में 75 आर्द्र भूमियां हैं। कितनी है? 75। यह गंगा के बाढ़ग्रस्त मैदान में एक मौसमी गोखुर झील है। यह झील दक्षिण पश्चिमी मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। यह अभयारण्य नियमित रूप से 50,000 से अधिक जल पक्षियों का आश्रय प्रदान कर रहा है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए शीत विश्राम के रूप में भी महत्वपूर्ण है। जीव जंतु हैं यहाँ पर, जैसे कि सारस क्रेन, ग्रूस एंटिगोन और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल एक्विला क्लेंगा, ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। दोनों, सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रूस एंटिगोन और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल का वैज्ञानिक नाम है एक्विला क्लेंगा, सहित कई वल्नरेबल प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती है। तो इसके अंदर भी दो से तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो समान पक्षी अभयारण्य न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रवासी पक्षी, ठीक है, जो बाहर से उड़कर जो पक्षी आते हैं उनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। और यह है कहाँ पर? यह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के अंदर स्थित है। और यह एक रामसर स्थल है, ठीक है। रामसर स्थल की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 के अंदर ईरान के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ईरान का एक रामसर शहर है, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में भारत के अंदर 75 रामसर स्थल है। कितने हैं? 75। और यह मौसमी गोखुर झील है, जो बाढ़ के दिनों में क्या होता है, इसके अंदर पानी भर जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, फैक्ट आपको मैंने बताई दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।